हाय दिवांश, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा हूँ। अरे सिर्फ 15 दिन रह गए उत्तरायण को, तू यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहा है? तो क्या करूँ, चल पतंग उड़ाते हैं, बहुत मजा आएगा। मेरे मम्मी पापा बाहर गए यार, तो मुझे अकेले टेरेस पे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, और घर पे सिर्फ दादी है। अरे तेरी उम्र के बच्चे तो टेरेस पे अकेले पतंग उड़ाते, और तू कितना डरता है। और वो तो बेस्ट है कि तेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है। अरे मम्मी पापा का टेंशन मत ले, ऊपर पतंग उड़ाने में बहुत मजा आएगा, तू ज्यादा डर मत, सच्ची बहुत मजा आएगा। अब तेरी मर्जी है भाई, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पतंग उड़ाने, पतंग उड़ाऊंगा, फुल एंजॉय करूंगा। चल ठीक है, बाय। भैया की बात कैसी थी? देखिए यार, कुछ भी करके दादी को मना ना तो काम बन सकता है। ज्यादा मस्का लगने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो क्या काम करवाना है मुझसे। दादी मैं वो टेरेस पर पतंग उड़ाने जाऊं? कैसे जाने दूं बेटा, तेरे मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं है, फिर तू अकेले मत जा। और ऐसे भी बहुत ठंडी है बेटा, तो तू घर पे बैठ के टीवी देख या बाहर क्रिकेट खेल, और अकेले पतंग उड़ाने मत जा बेटा। प्लीज दादी प्लीज, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अकेले पतंग उड़ाने जाने दो ना। तेरी बात तो सही है, तेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है तो मैं तुझे परमिशन नहीं दे सकती। अरे प्लीज प्लीज, अब तो मेरी तैयारी आ रही है ना। हाँ लेकिन थैंक यू थैंक यू, अकेले मत जा, रुक रुक। ए यार यहाँ से तो उड़ी नहीं रही है, ले काम करता हूँ उधर जाके। क्या किया तूने? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती तेरी है, तूने उसको अकेले ऊपर आने के लिए उकसाया था, उसके मम्मी पापा आएंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसमें सारी गलती तेरी है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया।
अरे ये तो मजे से पतंग उड़ा रहा है, वो तो खामा खा डर रहा था। ओ भाई चली गया। इसकी तो काटता हूँ आज। अबे ये क्या कर रहा है बे? यार डेढ़ दिन पड़ी। देवांश 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 पीछे देख। बच गया, लगता है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या तो पतंग उड़ाने में बहुत बिजी हो गया। अब मुझे उसे बचाना होगा। मतलब देवांश गिर गया? ओह शिट। देवांश यहाँ नहीं है तो? देवांश देवांश। हाँ भैया। देवांश तू वहीं रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ। देवांश तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। और मैं कब का चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था और तेरा ध्यान कहाँ था? और श्रेय यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया इन्होंने ही मुझे बचाया। मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वहाँ से गिर जाता। तुम दोनों जब नीचे पतंग उड़ाने की बात कर रहे थे तब मैं वहीं पे था, लेकिन मैं मम्मी के एक काम से मार्केट गया था, फिर आते वक्त। देवांश पीछे देख। देवांश ये सचिन किसे बुला रहा है? कौन है देवांश? फिर मैं देवांश को बचाने के लिए ऊपर भागा और तब ओह शिट। देवांश रुक, पीछे मत देख, पीछे मत देख, पीछे मत देख, वो देख। थैंक यू श्रेय, अगर देवांश को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन श्रेय अगर तूने देवांश को बचाया तो मैंने तुझे देखा क्यों नहीं? अरे जब तू घर के अंदर पहुंचा होगा तब मैं टेरेस पे पहुंच गया, और जब मैं उसको बचा के नीचे लाया तब तक तू टेरेस पे आ गया होगा। हाँ सही बात है सचिन, तुझे देवांश को ऊपर अकेले आने के लिए नहीं उकसाना चाहिए था, अगर उसे कुछ हो जाता तो। सॉरी देवांश, मुझे माफ कर दे। इट्स ओके भैया। देवांश इसमें गलती तेरी भी है, बच्चों को अकेले अकेले टेरेस पर नहीं आना चाहिए, आना है तो बड़ों के साथ आना चाहिए, और पतंग उड़ानी है तो सेफ जगह जाके उड़ानी चाहिए। मुझे भी किसी से सॉरी बोलना है, ठीक है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे रुक देवांश, ये नहीं सुधरेगा कभी।